हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एम्प्लाइज यूनियन मंडी यूनिट का सम्मेलन बैंक्वेट हॉल मंडी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्टेट प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने की। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एम्प्लाइज यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि विद्युत बोर्ड में आउटसोर्सेस का धंधा पूर्ण रूप से पनप रहा है और चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में ट्रांसफार्मर रिपेयर का काम आउटसोर्सेस करके ठेके पर करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि M&T सर्कल के अंतर्गत सुंदरनगर, सोलन और कांगड़ा मंडल के अंतर्गत ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के 3 वर्कशॉप हैं और कर्मचारी भी हैं, तो फिर काम आउटसोर्स करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कर्मचारियों से काम कराने के बजाय आउटसोर्स के धंधे में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बिजली बोर्ड में आउटसोर्स भर्तियां बंद की जाएं और हिमाचल प्रदेश में विद्युत बोर्ड में 7,000 पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें जल्द भरा जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष ने बोर्ड के प्रबंधन वर्ग से तकनीकी फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग की है ताकि कर्मचारी अकस्मात दुर्घटनाओं से बच सके। उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एम्प्लाइज यूनियन के सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लें जो कि 25 और 26 सितंबर को हमीरपुर में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी जिला में मंडी यूनिट के चुनाव करवाए गए जिसमें टीकम राम को प्रधान, सूरज राणा को उप प्रधान, हिमांशु को जिला सचिव और 13 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। इस सम्मेलन में दौलत राम राणा, योगराज ठाकुर उप महामंत्री, जगमेल ठाकुर और मंडी यूनिट के पूर्व प्रधान सुरेश राणा, पूर्व सचिव ध्यान सिंह जम्बाल, सुंदरनगर यूनिट के प्रधान कर्नल राणा मौजूद रहे। अशोक चक्र विजेता मेजर सुधीर बालिया के परिजन अपने वीर सपूत की प्रतिमा स्थापित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। मेजर सुधीर बालिया का 20वां शहीद दिवस मनाया गया, लेकिन प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर अभी प्रशासन कार्यवाही पत्राचार तक ही सिमटी हुई है। उधर परमवीर चक्र विजेता के विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित किए जाने के साथ शहीदों की वीर गाथाओं का उल्लेख पाठ्यक्रमों में किए जाने की पैरवी की है। शहीद मेजर सुधीर बालिया के शहीद दिवस पर बनूरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने शहीदों की याद में गीत पेश किए और इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जिला से पहुंचे शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। मेजर सुधीर बालिया जो कि कारगिल के युद्ध में भी अपना शौर्य दिखा चुके थे तथा उनके साथियों ने उनके बहादुरी के लिए रैम्बो नाम दिया था। 29 अगस्त 1999 को कुपवाड़ा के जंगलों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। 9 साल की आर्मी सर्विस में उन्होंने 15 मेडल प्राप्त किए थे। श्रीलंका में उन्हें शांति दूत के रूप में भी पुकारा जाता था। पेंडंगर में 70 देशों के प्रतिनिधि गए थे, उसमें भारत की ओर से उन्होंने टॉप किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारतीय सेना में 2 बार लगातार सेना मेडल प्राप्त किए थे जो कि बहुत कम सैनिकों को मिलते हैं। जनरल बीपी मलिक के मेजर सुधीर बालिया बतौर निजी सहायक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। शहीद के पिता ने कहा कि 20 वर्षों से प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन अब लगता है कि इस विषय पर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। जीएल बत्रा ने कहा कि शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित करने के साथ उनकी वीर गाथाएं पाठ्यक्रमों में शामिल की जानी चाहिए। ऊना के गिक क्षेत्र महतोपुर में स्थित फोर्जा इन्वोविशन बैटरी उद्योग में आज सुबह करीब 6:30 बजे आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को आगजनी की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद ऊना टहलीवाल और पंजाब के नंगल से अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हादसे में अभी तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करके जांच शुरू कर दी है।